हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने दिवाली, अपना बर्थडे पार्टी या कोई भी फेस्टिवल के लिए एक बेस्ट लाइट लेने के लिए सोच रहे थे तो इसे वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मेरे पास है एक मिनी लेजर डिस्को प्रोजेक्टर लाइट। और आज का इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करने के साथ साथ इसको अच्छे से टेस्टिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या ये लाइट 1000 के अंदर में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। और सिर्फ इस एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। स्टार्ट करते हैं। और इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले आपका थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ कि हमारा टेलीग्राम पे एक डील्स का फैमिली है, जहाँ पे मैं अच्छा अच्छा डील्स पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जल्दी से करते हैं इसका अनबॉक्स। और ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है 6-in-1 और एक है 12-in-1। और ये है 12-in-1 वाला वेरिएंट। और यहाँ पे इसका कुछ फीचर्स मेंशन है। और इसका बॉक्स में कोई भी सील नहीं मिलेगा, तो चलिए अब इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं। और इसके अंदर में है एक ट्राइपॉड स्टैंड और यह प्लास्टिक का है। और इसका क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी ठीक है। देन इसमें है इसी मिनी लेजर लाइट, और यह है इसका यूज़र मैनुअल, और यह ब्लू कलर का है। और इसका बॉडी टोटल मेटल का है, जिसके वजह से यह थोड़ा प्रीमियम लगता है। और हाँ, इसमें एक हैंडल भी मिलता है, और यह वाला हैंडल प्लास्टिक का है। और इसमें एक होल है, और इसी होल से आप अपना वॉल में इसको माउंट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है, आप इसको नीचे इसी तरह स्टैंड पे भी रख सकते हैं। और ये देखने में तो थोड़ा हैवी लगता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और ये ट्राइपॉड के साथ इसका वेट है ओनली 255 ग्राम। और ये है इसका फ्रंट साइड, और यहाँ पे जो दो छेद देख रहे हैं, यहाँ से लेजर निकलेगा। और यहाँ पे मेंशन है ये जो लेजर का ये जो छेद है, इसको नेकड आइज में नहीं देखना है, बट इसको अपोजिट डायरेक्शन पे देख सकते हैं। और जब ये लाइट चलता है तो इसका जो लेजर का पॉइंट, इसका जो अंदर का पार्ट थोड़ा हीट हो जाता है। इसको कूल करने के लिए इसका बैक साइड में एक फैन है। और इसको वेंटिलेट करने के लिए, यानी थोड़ा कूल रखने के लिए, इसका दोनों साइड में ऐसे ऐसे आपको होल मिलेगा। इसलिए याद रखिए कि ये लाइट वाटरप्रूफ लाइट नहीं है, इसको इंडोर पे यूज करना। और इसका राइट टॉप कॉर्नर पे है इसका माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। लाइट का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक नॉब है, और इसके नीचे है इसका एक मोड चेंज का बटन। यहाँ पे पहले 3 में है ऑफ, 2 में है ऑटो, देन 1 में है म्यूजिक। तो चलिए अब इसका वायर को निकाल के अब इसका टेस्टिंग करते हैं। और अब ये ऑफ है, इसको ऑन करने के लिए इसको ऑटो मोड नहीं तो म्यूजिक मोड को लाना होगा। तो अब करता हूँ ऑटो। तो देखिए अब ये ऑन हो चुका है, और मेरा इस रूम का सभी लाइट्स को ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट कितना अच्छा लग रहा है। और आपको पता होगा यहाँ पे जो नॉब है, मैं आपको पहले बताया था कि ये इसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। देखिए, जितना आप इसको कम करोगे, ये जो लाइट्स का इसका जो मोड चेंज होता है वो उतना कम होगा। जब आपने जीरो कर देंगे तब ये स्टॉप हो जाएगा, लाइक दिस। देखिए अब ये एप्पल पे है, और मेरा इसी रूम इतना डार्क तो नहीं है, फिर भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये 12-in-1 क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी लाइट, जो भी शेप का आता है, वो टोटल 12 प्रकार का है। और अब ये एक डिज़ाइन हुआ, 12 प्रकार का डिज़ाइन इसमें है, जैसा कि बटरफ्लाई है, स्टार है, और यहाँ पे एप्पल का भी है। और अब इसका नॉब को फुल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका मोड कितना जल्द चेंज हो रहा है। देन नंबर 1 पे इसका एक इंटरेस्टिंग मोड है, जो कि है म्यूजिक मोड। इसी मोड पर जब आपने कोई म्यूजिक चलाओगे, म्यूजिक का बीट के हिसाब से ये लाइट्स ब्लिंक करता रहेगा। तो चलिए अब एक म्यूजिक प्ले करते हैं।
लाइट देखने के बाद मज़ा आया ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैं नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा। इसका इंटेंसिटी अच्छा है और यह ब्राइट भी है। और याद रखिए कि जब आपने इसको चलाते हैं डार्क एरिया में चलाइए, डार्क नाइट में। अगर आपने इसको थोड़ा लाइट में भी चलाओगे ये देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। मैंने इसका 12 मोड वाला वेरिएंट को ऑर्डर किया था तो इसलिए मुझे ये 1200 रुपीज़ में मिला। और हाँ, अभी दिवाली का टाइम है, अब इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, बट नॉर्मल डेज में ये 1000 के अंदर पे मिलता है। और जो 6 मोड वाला वेरिएंट वो आपको 800 रुपीज़ के अंदर पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे सभी का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? देखिए दोस्तों, अगर ये आपको 1000 के अंदर पे मिलता है तब ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है और तब आप इसको आँख बंद करके ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये लाइट का बॉडी प्रीमियम होने के साथ साथ इसका जो लेजर लाइट का जो बीम निकलता है, इसका जो पिक्चर्स देखने के लिए अच्छा लगता है। और 12 पिक्चर मोड के साथ साथ इसका स्पीड को ज़्यादा एंड कम करने का भी नॉब है और म्यूजिक का भी मोड है। और ये वॉल माउंटेबल होने के साथ साथ इसमें एक ट्राइपॉड भी है। और याद रखिए कि जब आपने इसको लेते हैं इसको अच्छे से चेक कीजिए, देन अपना पास रखिए, क्योंकि ये लाइट्स का कोई ब्रांड नहीं है, ये सब चाइना का प्रोडक्ट होता है। अगर ये एक बार ख़राब होता है इसमें वारंटी नहीं है, तो इसलिए जब आपने इसको लेते हैं इसका रिटर्न एंड रिप्लेस डेट के अंदर में इसको अच्छे से चेक कीजिए। अगर अच्छा होगा तो अपने पास रखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और अभी तो इसे वीडियो ख़त्म होने वाला है, बट उससे पहले आपको बता दूं कि इसे वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। और अगर आपने डील्स देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।